नमस्कार दोस्तों, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम लोग देखने वाले हैं हम लोग अपना खुद का वेब ब्राउजर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सारा वेब ब्राउजर यूज किया, लेकिन अगर दोस्तों आप लोग अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोग अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भी इस वीडियो को फॉलो करके एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2022 में मैं आ चुका हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ताकि दोस्तों हम लोग अपना वेब ब्राउजर बना पाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आ गया। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन वाला सेलेक्ट कर लेना, यूजर इंटरफेस इस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जैसे कि बाकी वीडियो हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोगों को करना है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपना प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद दोस्तों क्रिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जब तक हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तब तक दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होकर आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ये जो मेन फॉर्म है इसका नाम चेंज करके यहाँ पे हम लोग कर देंगे form1.cs के जगह हम लोग यहाँ पे कर देंगे mainform.cs। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना ताकि दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। इस तरीके से mainform.cs, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग किस फॉर्म पे काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये हो जाए तो उसके बाद हम लोग करेंगे, अब हम दोस्तों इसको प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे फॉर्म वन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, जो भी आप लोगों का ब्राउज़र का नाम रखना चाहते हैं उस तरीके से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडुटेका वेब ब्राउज़र, इस तरीके से दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन है तो इसको हम लोग सेंटर स्क्रीन कर देंगे ताकि ये बीच में खुल के आए। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मेनू स्ट्रिप। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे मेनू स्ट्रिप, इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। मेनू स्ट्रिप को यहाँ पे आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर लिखना है फाइल। आप लोग जो भी फंक्शनैलिटी इसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फाइल के नीचे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जिट। अब देखें यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेगा तो एग्जिट पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हेल्प, हेल्प के अंदर दे देते हैं अबाउट इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो गो आ गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो हम लोग देने वाले नहीं है तो अब सिंपल है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टूल स्ट्रिप कंट्रोलर को, यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे उसके बाद डॉग फिल इन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये चारों बगल से आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट और लेफ्ट को हम लोग अनटिक कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे हट जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग लगाएंगे यहाँ पे अपना जो सर्च करने वाला URL सर्च करने वाला रहता है वो सब लगाएंगे। तो यहाँ पे उसको लगाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे टूल स्ट्रिप जो है इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस तरीके से। आप लोग ला के इसके अंदर यहाँ पे छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एक बटन चाहिए, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए, उसके बाद आप लोगों को क्या चाहिए, फिर से आप लोगों को एक बटन चाहिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, जो जो आप लोगों को यहाँ पे चाहिए वो आप लोग दे सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे यही दे दिया है तो इस तरीके से ये भी काम हो जाएगा। अब दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे पहले वाले बटन पर, सेट इमेज पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आप लोगों का इमेज है वो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये इमेज होम वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। अब दोस्तों ये बटन वाला इसको भी सेट इमेज पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और वहाँ से कोई जैसे ये वाला मैं ले लेता हूँ तो यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो हमारा है दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर ये होम जब हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन पे रहेंगे तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो वो होम पेज पे चले आएगा और यहाँ पे कोई URL डाल के सर्च करता है जैसे www.google.com
तो वहाँ पे google.com पे वो चला जाएगा, या कोई कस्टम URL डालता है तो वो वहाँ पे चला जाएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद भी चला जाएगा, ये एंटर बटन हो गया एक तरह से। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। अब दोस्तों इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जिससे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे URL को हम लोग लोड करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक आप लोगों को टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे वेब ब्राउजर नाम से एक आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल दिखेगा, इसको दोस्तों आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके छोड़ देना इस तरीके से, और आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे बन गया ये वेब ब्राउजर बन गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। चेक करने से पहले दोस्तों हम लोगों ने ये जो बनाया फाइल एग्जिट, इसके अंदर हम लोग कोड कर लेते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे एग्जिट पे, तो यहाँ पे इसका क्लिक इवेंट जनरेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट एप्लीकेशन को एग्जिट करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे एप्लीकेशन डॉट, जैसे बाकी वीडियो में हम लोग करते आ रहा है एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अबाउट है, तो अबाउट के अंदर भी हम लोग कुछ कोड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, शो के अंदर क्या शो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे दिस इज इडुटिका, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप लोग अपना हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं इडुटिका वेब ब्राउजर कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं About, उसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे कैप्शन, यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे कैप्शन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बटन, शायद बटन कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं मैसेज बॉक्स डॉट बटन, ओके कर देते हैं, और यहाँ पे आइकन कह रहा है मैसेज बॉक्स डॉट आइकन, यहाँ पे हम लोग कर देंगे आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। तो इस एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होके आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों हेल्प पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज इडुटिका वेब ब्राउजर, यहाँ पे अबाउट आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें दोस्तों हम लोग कोई वेबसाइट लोड करते हैं, जैसे google.com यहाँ पे लोड कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, जैसे यहाँ पे वेब ब्राउजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, दे देते हैं जैसे माई वेब ब्राउजर, इस तरीके से इसका नाम दे देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जब भी एप्लीकेशन को रन करें तो यहाँ पे google.com खुल के आए, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग पूरे फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे इसके इवेंट में जाना है प्रॉपर्टीज के, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा लोड, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पर आप लोगों को डबल क्लिक कर देना है, और यहीं पे आप लोगों को वो कोड लिखना है जिससे दोस्तों आप लोगों का ब्राउजर में google.com खुल के आए या आपका कोई वेबसाइट यहाँ पे खुल के आए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो माई वेब ब्राउजर में वो लोड हो जाए, तो माई वेब ब्राउजर डॉट नेविगेट, नेविगेट के अंदर दोस्तों हम लोग वो URL देंगे जो कि हमारा एप्लीकेशन जब भी लॉन्च हो तो वो खुल के आए। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ https://www.google.com, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि माई वेब ब्राउजर के अंदर ये खुल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा तो एप्लीकेशन तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं google.com भी यहाँ पे खुल के आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें इमेज मैप वगैरह ये सारा चीज़ भी वहाँ पे आ गया, जैसे कि बाकी में खुल के आता है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था होम स्क्रीन, उसके बाद कॉम्बो बॉक्स, उसके बाद नेक्स्ट बटन, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज में कर लेते हैं। तो हम पहले होम आइकन को पकड़ते हैं, इसके राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके पहले मेम को चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे होम टूल स्ट्रिप बटन, यहाँ पे टूल स्ट्रिप बटन लिखा हुआ है, तो हम लोग दे देते हैं होम टूल स्ट्रिप बटन, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके कॉम्बो बॉक्स को पकड़ेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे कि यहाँ पे टूल स्ट्रीम बटन लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे URL टूल स्ट्रीप कॉम्बो बॉक्स, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइज को हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते, तो यहाँ पे हम लोग 500 कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बेहतरीन लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आप ये जो होम वाला है इस पर क्लिक इवेंट जनरेट करके इसका कोड कर लेते हैं। इसमें क्या हो, तो यहाँ पे आप लोग जैसे जानते हैं कि जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कोई भी URL खुला है, मान लीजिए google.com के आगे चल के कोई भी वेबसाइट पर वहाँ पर यूज़र चला गया, अब वो चाहता है कि होम स्क्रीन पर हम लोग चलाएँ, इस पर क्लिक करें तो जो हमारा पहले जो लोड हुआ रहो वो खुल के आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कोड किए थे, मतलब हम लोग चाहते हैं होम पे जैसे ही क्लिक करें फिर से वो google.com पे चला आए, तो यही कोड हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे, यही कोड हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर google.com पे कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो इसको हम लोग पहले नो करते हैं, उसके बाद इस एरर को भी देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये खुल के आ चुका है, फेसबुक वगैरह ये खुल के आ गया है, मतलब google.com से हम लोग बाहर चले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पुराना वीडियो वाला लेआउट वगैरह भी आ रहा है। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि होम स्क्रीन पर चले जाएँ, तो हम लोग यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे, फिर से हम लोग google.com पर यहाँ पर चले आए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एरर आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पर फिक्स करते हैं। पहले तो एरर को फिक्स करने के लिए आप लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को वेब ब्राउज़र को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक एरर वाला ऑप्शन दिखेगा, जिसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट एरर सस्पेंडेड, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ तो यहाँ पर ट्रू कर देंगे, इस तरीके से वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, फिर से मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम सर्च करूँगा ड्यूटी का, इस तरीके से आप लोग देखें इस बार यहाँ पे एरर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बंद करते हैं, कट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, अगर दोस्तों इसमें कोई URL लिखे और इस पर क्लिक करें तो वो दोस्तों यहाँ पर उस URL पर चले जाए, उस वेबसाइट पर चले जाए जो यूज़र यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसका पहले नाम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका नाम लिख देंगे गो टू URL, इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक इवेंट जनरेट कर लेंगे। इसमें दोस्तों हम लोगों को यही कोड करना है, थोड़ा यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं लिखना है, ये लिखेंगे तो google.com पे चला जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को यूज़र से URL लेना है, तो यूज़र से URL, वो URL कहाँ पे डाल रहा है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर डाल रहा है। तो कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे URL टूल स्ट्रिप कॉम्बो बॉक्स, तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे URL स्ट्रिप कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, तो वो इससे टेस्ट ले लेगा जो कि दोस्तों यहाँ पे यूज़र डाल रहा है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ www.facebook.com, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं दोस्तों ये facebook.com पे जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये facebook.com पे चला गया है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, जैसे दोस्तों ये कॉम्बो बॉक्स में कोई URL लिख रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सजेशन दे, उसको सेलेक्ट करके जैसे आप लोग बाकी ब्राउजर में देखते होंगे जो भी सर्च किया जाता है उससे रिलेटेड URL यहाँ पे सजेशन में आता है। तो इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट सोर्स आप लोगों को एक दिखेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को टिक लगाना है, ऑल URL पे आप लोगों को यहाँ पे कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है, ऑटो कम्प्लीट मोड जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सजेस्ट एंड अपेंड पे क्लिक कर देना है। ये आप लोग दूसरा भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, उसमें दूसरे तरीके से यहाँ पे सजेशन देता है, तो यहाँ पे सजेस्ट एंड अपेंड ठीक रहता है, तो मैं यहाँ पे करके देखा हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस बार देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी URL रहता है वो हम लोगों को यहाँ पे शो करता है। अब दोस्तों इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोग उस वेबसाइट पे यहाँ पे चले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी अच्छा ऑप्शन हो गया। होम पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम लोग google.com पे चले जाएंगे। ये दोस्तों हमारा ब्राउजर काम कर रहा है। दोस्तों अभी हमारे एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम है, जब भी दोस्तों हम लोग कोई URL डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो हम लोग दोस्तों उस वेबसाइट पे नहीं जाते हैं, हम लोगों को इस पे क्लिक करना पड़ता है, तब दोस्तों हम लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस पे क्लिक करेंगे,
और दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे इवेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक इवेंट दिखेगा की डाउन का, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कंडेंसर लगाना है इफ ई डॉट की कोड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सजेशन मिल रहा है। अगर की कोड यूजर ने एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को यही कर देना है माई ब्राउजर में, ये हम लोगों को जो भी कॉमो बॉक्स के अंदर URL है उसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे खोल देना है। अब दोस्तों हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने रन करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं कोई URL लिख देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करूंगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस वेबसाइट पे यहाँ पे खुल के चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र तो दोस्तों हम लोगों का बढ़िया काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ वेब ब्राउज़र में सेट करने के लिए। जब भी दोस्तों हम लोग कोई वेब ब्राउज़र यूज करते हैं जैसे गूगल क्रोम वगैरह, तो उसमें दोस्तों उसका कुछ सेटिंग हो जाता है। जैसे दोस्तों उसमें आप लोग अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग गूगल, जैसे मैं यहाँ पर गूगल सेट किया हूँ तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग yahoo.com सर्च करते हैं या बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का bing.com होता है वो सर्च सेट कर सकते हैं या कोई दूसरा सर्च इंजन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो जब भी दोस्तों या खुद का अपना कोई वेबसाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, यूज़र को एक ऑप्शन दे ताकि दोस्तों वो अपना होम स्क्रीन का जब भी दोस्तों एप्लीकेशन को लोड करे तो वो अपना सेटिंग कर सके, उसके बाद एप्लीकेशन को क्लोज भी तब पर भी दोस्तों वो सेटिंग खुल के आए। तो ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर करना है। इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे एग्जिट यहाँ पर दूसरा ही बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक टूल दे देते हैं, टूल इसके नीचे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं सेट, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सेटिंग लिख देते हैं सेटिंग्स इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे सेटिंग पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी सेटिंग पे डबल क्लिक करें तो क्या हो, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, दूसरा फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए दोस्तों आप लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अपने वेब ब्राउजर पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा विंडोज फॉर्म ये वाला है। तो यहाँ पे इसका नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेटिंग सेटिंग फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। तो इसको दोस्तों हम लोग पहले डिजाइन कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले एक लेबल लगा लेते हैं, लेबल इस तरीके से, और इसका नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेबल लिखा हुआ है यहाँ पे कर देते हैं होम URL। आप जो होम URL यहाँ पे सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर यूजर URL यहाँ पे सेट कर सकता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दो बटन ले लेते हैं, बटन और इसी का कंट्रोल प्रेस करके एक डुप्लीकेट बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसके प्रॉपर्टीज में जाके सेव बटन सेव, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कैंसिल कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे कैंसिल बटन और यहाँ पे कर देंगे इसमें सेव बटन सेव बटन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये हो गया। अब दोस्तों ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका भी हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे URL टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं, तो इससे भी हम लोगों को पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चाहते हैं यूजर जब भी यहाँ पे कोई URL डाले तो वो दोस्तों यहाँ पे सेट हो जाए होम स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी एप्लीकेशन को रन करते तो वहाँ पे google.com खुल जाता है। तो यहाँ पे जो वो सेट कर देगा तो बार बार जब भी एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा तो यही URL खुल के आएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, यहाँ पे डिजाइन टैब में चलते हैं, इसमें यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करें तो ये वाला हमारा फॉर्म खुल के आए। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, हमारा फॉर्म का नाम है सेटिंग फॉर्म यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं सेटिंग फॉर्म इक्वल टू न्यू ऑफ सेटिंग फॉर्म इस तरीके से हम लोग कर देंगे। उसके बाद सेटिंग फॉर्म डॉट शो डायलॉग इस तरीके से कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं एक बार ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं।
तो ये खुल के आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे टूल पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये खुल के आ रहा है। अब जब जो भी यहाँ पे URL दे देगा और सेव बटन पे क्लिक कर देगा तो वो सेट हो जाएगा। फिर दोस्तों एप्लीकेशन को रिलॉन्च करेगा तो वो हमारा URL यहाँ पे खुल के आना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सेटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, आप थोड़ा इस फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे जो दोस्तों हमारा फॉर्म का है, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, यहाँ पे इसका सेटिंग फॉर्म नाम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग आगे काट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट पोजिशन होगा, तो विंडोज़ लोकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेंटर पैरेंट, जो भी हमारा पहले वाला फॉर्म रहेगा होम पेज, उसके बीच में ये खुल के आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद चलना है दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग हम लोगों को अपने एप्लीकेशन के लिए सेटिंग बनाना भी होगा, इसके लिए चलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे Edutica वेब ब्राउजर प्रॉपर्टीज आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन का नाम दिखेगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेटिंग हम लोगों को बनाना है, तो यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं होम पेज, इस तरीके से होम पेज URL, इस तरीके से होम पेज URL दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग रहने देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो ऑप्शन दिखेगा, एक एप्लीकेशन दिखेगा और दूसरा दोस्तों आप लोगों को यूज़र दिखेगा। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन अब अगर आप लोग सेलेक्ट कर देते हैं तो दोस्तों यूज़र आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन यूज़ करने वाला यूज़र है, डेवलपर नहीं यूज़र, वो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग नहीं कर सकता। जो आप लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप करते समय सेटिंग कर दिए हैं वो दोस्तों वहाँ पे सेट हो जाएगा, उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब यूज़र अगर आप लोग सेलेक्ट कर देते हैं तो दोस्तों यूज़र अपना सेटिंग खुद का कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को यूज़र अपना खुद का URL, डिफॉल्ट URL जो भी सेट करना चाहता है तो यूज़र करना चाहता है, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सेव ऑल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना जो मेन फॉर्म है ये वाला, इस पर दोस्तों हम लोग पहले कैंसिल बटन पर क्लिक इवेंट लगा लेते हैं। तो इसको अगर कोई यूज़र कैंसिल कर देता है फॉर्म को, दिस डॉट क्लोज कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों ये इसको हम मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक इवेंट लगा लेंगे। इसी पर दोस्तों हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। तो इसको इस पर करने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो हम लोगों ने सेटिंग बनाया है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे प्रॉपर्टीज डॉट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है सेटिंग डॉट डिफॉल्ट, ये इस तरीके से आ रहा है, डिफॉल्ट आया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे डिफॉल्ट, यहाँ पे आप लोग डॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो भी सेटिंग बनाया होगा डिफॉल्ट के बाद वो आ जाएगा। तो हम लोगों ने बनाया होम पेज URL बनाया, होम पेज URL के अंदर कौन सा URL है तो ये हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। URL कहाँ से आएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, इसके अंदर से URL आएगा, तो इसके अंदर इसका नाम क्या है तो यहाँ पे देखेंगे URL टेस्ट बॉक्स इसका नाम है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे URL टेस्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इस तरीके से दोस्तों इसमें URL आ गया जो कि दोस्तों यूजर सेट करना चाहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये कोड लिख देंगे प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग डॉट डिफॉल्ट और डॉट सेव, वो उस सेटिंग के अंदर यहाँ पे ये URL जो भी यूजर ने दिया होगा वो सेव हो जाएगा। अब जब दोस्तों URL सेव हो गया तो दोस्तों हम लोगों को पता भी करना चाहिए कि यूजर URL सेव हो गया। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर दे देते हैं होम पेज URL सेव्ड, इस तरीके से हम लोग दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं सेव्ड दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दे देंगे बटन दे देंगे मैसेज बॉक्स डॉट बटन डॉट ओके दे बटन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे आइकन, तो मैसेज बॉक्स डॉट आइकन डॉट, यहाँ पे सक्सेस का देखते हैं कुछ मैसेज है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का है तो ये ही दे देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म है सेटिंग फॉर्म ये वाला, इसको दोस्तों हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस डॉट क्लोज इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा ये इतना काम हो जाता है। तो दोस्तों अब ये आप लोग देखेंगे तो ये हमारा काम तो हो गया, लेकिन दोस्तों अगर आप ये आप लोग चेक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं काम करेगा, ये जो हम लोगों ने बनाया था दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो हम लोगों ने बनाया था
इसके अंदर दोस्तों हम लोग मैनुअली यूआरएल पास कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एक वेरिएबल बना रहा है, मैनुअली यूआरएल हम लोगों को पास नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूआरएल नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे, यूआरएल स्ट्रिंग टाइप का यूआरएल बना लेते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू। तो यहाँ पे यू आर एल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हम लोग यू आर एल लेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर से। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू आर एल जो हम लोग लेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर से यू आर एल लेंगे जो कि वहाँ पे सेट रहेगा। तो वो प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग डॉट डिफॉल्ट डॉट होम पेज यू आर एल, इस तरीके से हम लोग यहाँ से उसका यू आर एल ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को इसके अंदर यू आर एल आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे हर जगह यू आर एल पास कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को यू आर एल पास कर देना, यू आर एल कंट्रोल सी। यहाँ भी आप लोगों ने मैनुअली यू आर एल पास किया, वहाँ पे आप लोगों को यू आर एल पास कर देना है। तो आप देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन को हम लोग रन करके ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे कोई भी यूआरएल खुल के नहीं आया। तो इसको तो करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे टूल पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले से वहाँ पे कोई यूआरएल आया ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग इस बार सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार कोई यूआरएल दे देते हैं, https://www.google.com, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक यूआरएल दे देंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज यू आर एल सक्सेसफुली सेव। तो इस पर फिर से एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, इस बार दोस्तों यहाँ पे google.com खुल के आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया, फिर से टूल पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं और इस बार दोस्तों हम लोग यू आर एल को यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे इस बार देते हैं www.facebook.com, इस तरीके से देते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। इस बार देखेंगे तो दोस्तों इस बार एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा facebook.com खुल के आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेसबुक खुल के आ चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग होम पेज यूआरएल का सेटिंग भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।